महेंद्रगढ़ के पत्रकार सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। मिनी सचिवालय का जो स्थान है, यहाँ अभी स्थिति है कि जिस तरह से देख सकते हैं कि कुछ पत्रकार यहाँ मीडिया सेंटर की मांग को लेकर महेंद्रगढ़ में वो अभी मौजूद हैं। जिले भर के पत्रकार विभिन्न जो न्यूज चैनल्स और अखबार से संबंध रखते हैं वो तमाम इस धरने का सांकेतिक धरना है, और इसी में हम बात करने की कोशिश करते हैं। नारनौल प्रेस क्लब से असीम राव हमारे साथ में। पत्रकारों, आज धरना चल रहा है, क्या मांग है, किस बात को लेकर? देखिए, जिला हमारे महेंद्रगढ़ उपमंडल के पत्रकारों की मांग थी यहाँ पे मीडिया सेंटर स्थापित किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस मांग को मान भी लिया था और इसके लिए 10 लाख रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने अब तक ना तो कोई कमरा अलॉट किया है ना उस बजट का उपयोग किया, एक साल से उसको ठंडे बस्ते में डाल रखा है। 3 दिन पहले जब मुख्यमंत्री आए, हमारे पत्रकार साथी उनसे अपनी व्यथा कहने के लिए गए तो पुलिस और प्रशासन ने उनको मुख्यमंत्री से मिलने भी नहीं दिया। मुख्यमंत्री से पत्रकारों को ना मिलने देना, कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ भी उनकी जो बात है उनको दबाने की कोशिश की। राष्ट्रीय दैनिक अखबार के सतीश सैनी जी ब्यूरो चीफ हैं। सतीश जी, क्या कहेंगे आज आप धरने पर? एक सांकेतिक धरना ही है लेकिन धरने पर बैठे हैं आप। देखिए, नारनौल में मीडिया सेंटर स्थापित सरकार ने कर दिया था। एक साल पहले महेंद्रगढ़ में भी मीडिया सेंटर स्थापित होने की बात सरकार की ओर से मंजूर की गई थी। एक साल होने के बाद में भी वो जगह ऑल आउट नहीं की गई। इसको लेकर कई बार सरकार से, प्रशासन से पत्रकार साथी मिले, उन्होंने रिक्वेस्ट की। एक साल बीतने के बाद में भी उन्होंने जगह अलाट नहीं की थी, इसलिए मजबूरन पत्रकारों को आज एकजुट होकर महेंद्रगढ़ मिनी सचिवालय में धरने पर बैठना पड़ा। नतीजन अभी ये सामने आया है, सुनने में आया है कि एसडीएम साहब ने एपीआरओ ऑफिस जो था महेंद्रगढ़ में, उस में मीडिया सेंटर स्थापित करने की बात कही गई है। हमारे पत्रकार साथियों की डिमांड है कि उसका हमें लिखित एक लेटर दिया जाए ताकि बाद में उसमें कोई आनाकानी ना हो। और उन्हें ये भी कहा है कि जो मीडिया सेंटर के लिए जो पैसा अलाट हुआ है उसमें सामान के लिए, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सामान मीडिया सेंटर में स्थापित किया जाए ताकि पत्रकार साथी वहां बैठ सके। सतीश जी, एक चीज समझना चाहूंगा कि बजट आ चुका है, सरकार की घोषणा हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो ये फेलियर नजर नहीं आ रहा प्रशासन? देखिए, फेलियर सरकार की तरफ से तो फेलियर नहीं लग रहा, क्योंकि सरकार का काम प्रशासन की बात कर, पैसा अलर्ट कर दिया। प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि भाई हमने टेंडर छोड़ा था पर जो मटेरियल जो उसमें लगना है वो उसमें उपलब्ध नहीं है, इस वजह से 2-3 बार अलर्ट करने के बाद में भी वो टेंडर मंजूर नहीं हुआ। अब एपीआरओ साहब यहाँ आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और वहाँ किसी ना किसी तरह हम दोबारा अलर्ट करवाएंगे टेंडर, और जल्दी ही इसकी रूपरेखा तैयार करके और सामान रख पाया जाए। जी, निश्चित तौर पर। हमारे साथ महेंद्रगढ़ से प्रदीप जी हैं। प्रदीप, क्या कहेंगे आप जिस तरह से अभी इस वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, एक के बाद एक आ रहे हैं राजनीतिक लोग आ रहे हैं, और ऐसे में अपनी मांग के लिए जब मुख्यमंत्री से पत्रकार मिलने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन उनको रोकता है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, जिस तरह से पत्रकार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, कल गृह मंत्री का दौरा है, और आपको बता दूं कि जिस तरह से जो प्रशासन का जो रवैया है पत्रकारों के प्रति, एक मीडिया सेंटर एक साल पहले अलॉट हुआ और उसके पैसे भी मंजूर हो चुके हैं, बजट आ चुका है, परंतु उसे नहीं किया गया। सीएम से मिलने के लिए पत्रकार जाते हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, और उसके बाद में जब यहाँ धरना देते हैं तो एक लॉलीपॉप थमाने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि रातों रात जो कमरा अलॉट हो गया, जबकि रात में कल संडे था, और जो काम एक साल में नहीं हुआ वो कुछ ही घंटों में कैसे हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो अफसर हैं उनके पास एक साल का मौका था, उन्होंने कोई काम नहीं किया, और मजबूरी में जो पत्रकार धरने के ऊपर बैठे हैं उसके बाद में जो काम है कहते हैं कि वो गति पकड़ रहा है और आज शाम तक आपका काम हो जाएगा। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पत्रकारों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, जो अधिकारी जो अफसर हैं वो बिल्कुल बेलगाम है। निश्चित तौर पर जिस तरह से विकास के दावे किए जाते हैं, उन दावों को खासतौर पर अमली जमा पहनाने का काम जिला प्रशासन का होता है, कहीं ना कहीं वही प्रशासनिक अधिकारी पत्रकारों को कहीं ना कहीं शोषण करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रूप सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, महेंद्रगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।